तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में बात कर रहे थे। याद रखिए, इसमें हम लोग 10 चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं। ये आपका 11वां चैप्टर है। इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से जितनी भी बुक्स कवर की गई है, उन सभी की क्लासें आपकी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डली हुई है। ठीक, और पूरी 12th तक कवर करवा दूंगा। ठीक, चलिए, तो 11वें में देखते हैं हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। पिछले अध्याय में हम अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लोगों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और उनके अपेक्षित साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है? मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है और हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है, और मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार है? चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित यानी कि सही करते हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार भी करेंगे। आप देखते होंगे कि आपकी स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस हो, आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। इसीलिए तो कहता हूं कि 2 से 3 बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़ ले। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने प्रकाश और इसके गुणों के बारे में अध्ययन किया, और इस अध्याय में हमें इन धारणाओं की कप प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन की में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों रंगों में परिक्षेपित विभक्त होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मानव नेत्र के बारे में, यानी कि हम अपनी आंख के बारे में। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, देख लीजिए, ये आपका क्या है? कच्छाद्रक, ये दृक तंत्रिका, ये दृष्टि पटल, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है पक्षमापी पेशियां, ये आपकी स्वच्छ मंडल परितारिका, ये पुतली नेत्रोद, एक क्रिस्टलीय लेंस है आपका। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं स्वग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में योग्य बनाता है। आंख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। एक बात और आप लोग याद रखिए, आप लोग खुद भी अनुभव करते होंगे कि आंख ना हो तो क्या होगा, इसे आप लोग बेहतर जानते होंगे। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे आप लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश से एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को आप लोग कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 11.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, और नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, और इसका व्यास आपको देखने को मिलेगा लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, जिसे अब लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसमें बेहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं।
ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। एक तरह से इसलिए कहा जा रहा है कि पिति में मैं कहने का मतलब है कि सामने जो वस्तु रखी है उसका आप अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने जाने भी था बिंब और प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा जो ना समझ में आ रहा हो। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपकी सभी जो एक प्रॉब्लम ये थी आपकी कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए, कहाँ मिलेंगी, तो ये मैंने आसान बना दिया है कि आपकी सभी PDF है टेलीग्राम पर डाल दिए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप पता भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, कौन कौन सी नहीं पढ़नी। लेकिन अब इन इन सभी बुक्स को कवर भली करवा देता हूं मैं। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन आप अपने से भी पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी पढ़ लेंगे और आसानी से पढ़ लेंगे। इसमें कोई किसी की आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद से भी पढ़िए, अगर कहीं आपको जरूरत पड़ती है, अगर लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, उसे भी हम लोग पूरा आपको सहायता करेंगे। ठीक है, दृष्टि तंत्र किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने अथवा कुसंक्रियाओं से दृष्टि विकारों में सामर्थ्य सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए, प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कि कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोथ तथा कच्छाभद्रव्य अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, या फिर दृक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है भी क्षतिग्रस्त होने पर चासुस विकृति उत्पन्न करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, और तदापि कुछ समय पश्चात आप उससे उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। आग की पुतली परिवर्ती द्वार की भांति कार्य करती है जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है और जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सकते सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका ले फैलकर पुतली की को बड़ा बना देती है जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है इससे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग संभंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जलीवत पदार्थ का बना होता है, जो अभिनेत्र लेंस होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षांबी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस जब अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। और अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे हम लोग सामंजन कहते हैं। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब में धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो एक तरह से कहिए आपकी आंख की एक तरह से ये नॉर्मल स्थिति है, सुविधाजनक। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। आप लोग किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है, दूर बिंदु की बात कर रहा हूं, अनंत पर होता है।
इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। तो न्यूनतम आपकी 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम अनंत तक कितने भी दूरी तक आप लोग देख सकते हैं। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या फिर धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में मोतियाबिंद कहते हैं। आपने सुना भी होगा, काफी हमारे देश में काफी ये समस्या बनी हुई है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। अब बात करते हैं दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं है। ये भी काफी क्वेश्चंस पूछ लेता है कोई, कई बार इंटरव्यू में भी आपका पूछ लेता है कि दो नेत्र की क्या जरूरत थी जब एक से काम चल सकता है। तो एक नेत्र की बजाय दो नेत्र के हमें अनेक लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? इससे हमारे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और मानव की एक नेत्र का क्षेत्र दृष्टि से क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा ये लगभग 180 डिग्री जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। आप भी अपनी दैनिक जीवनचर्या में फॉलो मतलब देखते होंगे कि एक की क्यों जरूरत दो की है, एक की क्यों और एक पर काम क्यों नहीं चल सकता है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हम त्रिबिंब चाक्षुकी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विबिंब लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन है होता है। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारे मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे हमारे कितने पास है या दूर है। एक तरह से वही है कि आपके दो हाथ क्यों, एक से काम नहीं चल सकता था, तो आप दो से जल्दी काम कर लेंगे और अच्छा बेहतर काम करेंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, तो इसके लिए एक तरह से हानि है। ये भी ये क्वेश्चन यहां से आपका डायरेक्ट पूछ लेता है, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके कई बार आ जाते हैं। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपने सामंजस्य क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। आप लोग क्या करना कि कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर पुराने देख लेना, जिस भी परीक्षा में हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विस हो या कोई स्टेट पीसीएस हो, आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या रहता है, एक अंदाजा लग जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने पढ़ना आपके लिए कितनी जरूरी है, इतना जोर क्यों दिया जाता है एनसीईआरटी पर। और 2011 से 2020 तक के तो हमने कवर कर दिए थे, एमपीपीएससी के, यूपीपीसीएस के और आपके सिविल सर्विस के, उनकी सभी आप मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सूची में जाइए। मुझे लगता है सिविल सर्विस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस काफी कवर करवा दिया गया है आपका, इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रमुख रूप से दृष्टि के तीन सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि और तीसरा जरा दूर दृष्टि दृष्टता। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष की निकट दृष्टता भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? निकट दृष्टता भी कह देते हैं। निकट दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को यह वह स्पष्ट सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछने के लिए आता है, तो इसमें आपको निकट की दृष्टि निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और दूर दृष्टि में इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है।
ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता की अवतल लेंस, इसे भी याद रखना, अवतल लेंस अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर को दिखाई दे रहा होगा निकट दृष्टि दोष चित्त का दूर बिंदु, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र हो गया है ये आपका, ये निकट दृष्टि दोष का संशोधन। अवतल याद रखिए, इसमें आपको अवतल लेंस का उपयोग करके, आप सारी लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। चित्र 11.2C, 11.2C यहाँ में दर्शाया गया है। ये है आपका क्या है, अवतल लेंस। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल रेटिना पर ले जाता आता है और इस प्रकार इस दोष का संशोधन यानी कि ठीक किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टता भी कहते हैं आप लोग। दीर्घ दृष्टि दोष कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है। इसमें क्या होता है दूर दृष्टि दोष में, दूर की वस्तु तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जो निकट की वस्तु होगी ये स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में क्या था, जो पास की वस्तु थी वो तो स्पष्ट दिखाई देती आपको, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, और ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूर पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली विकास किरणें दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं, जैसा कि चित्र 11.3B में दर्शाया गया है। इस दोष को उत्पन्न होने के कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, और दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता की अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित यानी कि सही किया जा सकता है। इसे चित्र 11.3C में दर्शाया गया है। उत्तल लेंस से युक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है, और ये दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, और ये सही किया गया है दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। देखिए एक बात और बताऊं, इसमें जो निकट दृष्टि दोष है इसे सही कैसे किया जा सकता है, अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस का उपयोग करके, ठीक है, और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस या फिर इसे दूर दृष्टि दोष को किससे सही किया जा सकता है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। ठीक है, इसे याद रखिए, कई बार वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है या फिर इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। फिर तीसरा एक जरा दूर दृष्टिता, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। यह पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दूर निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार की द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता होता है। आजकल संस्पर्श लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव भी है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष में इसमें आपको उत्तल और अवतल दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया जाता है, इसमें अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है।
ये क्वेश्चन से दिए गए हैं तो इन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, अब बात करते हैं हम लोग प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। समानांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए जैसा कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाता है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए, इसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। और आइए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। जरा सोचिए, क्या सोचिए? अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप जिन्हें देख सकते हैं, आप चमकीला दीप्त सूर्य कहते हैं आप अनुभव में भी करता दीप्त सूर्य का ताप पर समझ ना पाया अब तक यह मैं बनाता कैसे वह दिन और रात। सीस बेर द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित कविता की कुछ पंक्तियां का हिंदी रूपांतरण है ऊपर। क्या आप जानते हैं कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्र दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। और हमारे देश में इस तरह की परंपरा कह लीजिए आप लोग की, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कम ही देखने को मिलती है। कम ही लोग अपना दान, शरीर का कोई भी अंग हो, दान किया जाता है। आप देखते हैं कई लोग एक तरह से एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो वो भी एक तरह से आप सोचिए उनके परिवार वाले भी दान नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि करना चाहिए, इससे क्या होगा कि कई लोगों की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। समझ रहे हैं आप? विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टि है, और उसमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे 12 वर्ष से कम आयु की हैं। अतः यदि हम दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्या ना इसे हम उन्हें अपने नेत्र देकर जाए जिसके पास दृष्टि नहीं है। नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इससे क्या होता है कि देखिए आप लोग, कोई मान लीजिए कि मैं तो चाहता हूँ कि भगवान किसी के साथ दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो, फिर भी अगर हो जाता है तो आप सोचिए उसे तो बचाया नहीं जा सकता है। हाँ, इतना हो सकता है कि उसके अंगों का उपयोग करके अगर कोई दूसरा जिंदा है, देख पा रहा है, चल पा रहा है, फिर पा रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारे, आप देखते हैं हमारे समाज में इस तरह की एक तरह से देखा ही नहीं जाता है, किया ही नहीं जाता है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद या ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मधुमेह अथवा उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी व वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रमक रोग नहीं है, वे भी नेत्र कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। अब समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या फिर अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स या हेपेटाइटिस बी या फिर आप देखेंगे सी जलभीति या टीबी ल्यूकीमिया धनुस्तंभ हैजा तरीका शोध या फिर मस्तिष्क शोध से संक्रमित है जिनकी इसके कारण मृत्यु हुई, नेत्रदान नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है और उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे ना उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान व चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों का पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्रों का युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। आपने देखा होगा कई मूवियां भी बनाई गई है इस पर, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सही चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, आप लोग गलत चीजों को तुरंत फॉलो कर लेते हैं। क्रियाकलाप 11.1 को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफेद कागज की एक शीट लगाइए। इस शीट पर कांच का प्रिज्म इस प्रकार रखिए कि इसका
त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। एक पेंसिल का प्रयोग करके प्रिज्म की सीमा रेखा खींचिए। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा PE खींचिए। रेखा PE पर दो पिने बिंदु P और Q पर गाड़िए, जैसा कि चित्र 11.4 में दर्शाया गया है। फलक AC की ओर से P तथा Q पिनों के प्रतिबिंबों को देखिए। R तथा S बिंदुओं पर दो और इस पिने इस प्रकार गाड़िए कि पिन R और S पिन P और Q के प्रतिबिंबों की एक सीधी रेखा में दिखाई देती है। देखिए, सीधा सा मतलब है कि प्रतिबिंब, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि बिंब एक तरह से वस्तु है, उसका प्रतिचित्र जो होता है उसे बिंब प्रतिबिंब कह देते हैं, यानी कि उसकी प्रति, ठीक है, फोटोकॉपी। पिनों तथा कांच के प्रिज्म को हटाइए। रेखा PE प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु E पर मिलती है। चित्र 11.4 में दिखाया भी गया है, देख लेते हैं आगे। ये बात की जा रही है, चलिए और इसे देख लेते हैं, फिर वो अच्छे से देखेंगे। इस प्रकार बिंदु R तथा S को एक रेखा से जोड़िए तथा इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि यह प्रिज्म के फलक AC से F पर मिले। हम पहले ही देख चुके हैं कि पिनों P तथा Q को मिलाने वाली रेखा फलक AB से E पर मिलती है और E F को मिलाइए। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु E तथा F पर अभिलंब खींचे। चित्र 11.4 में दर्शाए अनुसार आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण को चिन्हित कीजिए। यह आपको दिखाई दे रहा होगा, ABC, AS, RF, E कोण, M, M' N, N' H, G, E, Q, P, P क्या, PEA आपतित किरण है, EF, ये अपवर्तित किरण है, F, S, F, S ये आपकी निर्गत किरण है, प्रिज्म कोण हो गया ये, ए यहां दिखाई दे रहा हूं, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, ये निर्गत कोण, विचलन कोण क्या है, विचलन कोण, ए विचलन कोण। कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यहां PE आपतित किरण है और EF आपतित अपवर्तित किरण है, FS निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ पर AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही आता है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए। क्या यह कांच के स्लैब में हुए झुकाव के समान ही है? प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इस स्थिति में कोण D विचलन कोण है। उपयुक्त क्रियाकलाप में विचलन कोण को चिन्हित कीजिए और इसे माप सकते हैं। अब बात करते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। आपने किसी इंद्रधनुष में भव्य वर्णों रंगों को देखा और सराहा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश में हमें इंद्रधनुष के विभिन्न रंग किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 11.2। गत्ते की एक मोटी सीट लीजिए और इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या आप एक पतली छिरी बनाइए। पतली छिरी पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। इससे श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। आप कांच का एक प्रिज्म लीजिए और इस तथा चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार झिरी से प्रकाश को इसके एक फलक पर डालिए। प्रिज्म को धीरे से इतना घुमाइए कि इससे बाहर निकलने वाला प्रकाश पास रखे किसी पर्दे पर दिखाई दे। आप क्या देखेंगे? आप वर्णों की एक आकर्षक पट्टी देखेंगे। ऐसा क्यों होता है इसे आप लोग इस यहाँ जान लेंगे। एक बात और याद रखिए, क्रियाकलाप जो भी होते हैं, आपके प्रयोग इस तरह के करने की बात की जाती है, उन्हें आप लोगों को केवल पढ़ना है। उसके पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो आपका एक तरह से पैराग्राफ दिया जाता है इसे जरूर देखना है आपको, क्योंकि यही इसका निष्कर्ष रहता है। संभवतः प्रिज्म से आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों वर्णों की पट्टी में विभक्त कर दिया है। इससे रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम है क्या है?
दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम क्या, रंगों का क्रम क्या होगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जैसा कि चित्र 11.5 में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, एक कांच का प्रिज्म हो गया श्वेत प्रकाशपुंज, यह आपको दिखाई भी दे रहा होगा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द विग्योर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसे विकास के अब यभी वर्णों की इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाए, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। विकास के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम लोग विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। आपने देखा है कि श्वेत प्रकाश पिंजम द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में यानी कि रंगों में विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? किसी पिंजम से गुजरने के पश्चात विकास के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं और मुड़ते हैं। लाल विकास सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी आपको सबसे अधिक झुकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है और तथा सुस्पष्ट दिखाई देती है। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन है दिखाई दे रहा होगा। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने चित्र 11.6 की भांति एक दूसरा सर्व सम प्रिज्म में पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश का सादृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है, यह श्वेत प्रकाश कहलाता है। ये आकाश में आप लोग इंद्रधनुष देखते होंगे। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं और तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं और अंततः जल की बूंदें से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। इस तरह से इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण के नेत्रों तक पहुंचते हैं। यदि सूर्य की सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे में देखें, तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी उसमें विवीरक विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु की विक्षुब्ध प्रवाह में धूप धूल के कणों की आवासी अनियमित और अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की यानी कि कम सघन होती है और इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण विकास का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बेहद स्तर पर एक ऐसी परिघटना है। आइए देखें इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये भी आपसे पूछ लेता है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण टिमटिमाते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं लोग। तारों के विकास के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो याद रखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का विकास निरंतर अपरिवर्तित होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित
परिवर्ती अपवर्तनांक को, क्योंकि वायुमंडल तारे के विकास को अविलंब की ओर झुका देता है और अतः तारे की आवासीय स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपने अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है, और इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी परिस्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आवासीय स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है, क्योंकि तारे बहुत दूर हैं और अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है, क्योंकि तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश मात्रा झिलमिलाती रहती है, इससे यही हम लोग टिमटिमाते भी कहते हैं, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आवासीय स्थिति, बढ़ता हुआ अपवर्तनांक तारा ही हो गया, तारे की आवासीय स्थिति, किरण का मार्ग ये आप है, ठीक है। यह ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते आखिर? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा, यही कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते। वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर क्या प्रभाव? अग्निम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई रहता है, यानी कि कहने का मतलब वास्तविक सूर्योदय से, यानी कि सूर्य उगने से पहले हम लोग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और डूबने से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य का वास्तव में क्षितिज को पार करना। चित्र 11.10 में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई हैं। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है, इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। सूर्य की आभासी स्थिति। अब बात करते हैं प्रकाश का विकिरण। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं जिसमें हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के विषय में अध्ययन भी किया था। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है। आप लोग खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको समझाया जाए। मुझे तो लगता है कि मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं इसे, और आप जानते हैं, और पूरा आपको प्रयोग एक तरह से करके बताया जाता है, पूरा चित्र का सहारा लिया जा रहा है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि NCERT इतनी सरल भाषा में लिखी हुई है तो हर कोई समझ लेगा, और मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विस या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉर्मल स्थिति में तो होंगे नहीं, ये तो सीधी सी बात है। अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विस्मांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में आप कक्षा 9वीं में पढ़ भी चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का विकिरण कणों का दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल की वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का विकिरण कर देती हैं। इसे आप लोग ऐसे घरों में भी देख सकते होंगे जो खपरेल होते हैं, आप देखते होंगे गांव की तरफ इस तरह की सुविधा रहती है,
तो उसमें से कभी कभी आप देखते हैं कि सूर्य की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, या पेड़ के नीचे आप बैठे होंगे तब भी आपको दिखाई देगी। विकिरणित प्रकाश का वर्ण विकिरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अतः अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को विकिरणित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को विकिरण करते हैं। यदि विकिरण करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो विकिरणित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। अब बात करते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म में दिए जा रहे हैं और आपको नीचे आंसर भी बता दिए जा रहे हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को विकिरित करने से में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग आपको देखने को मिलेगी 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंग दैर्ध्य को अधिक प्रबलता से विकिरित करते हैं, और विकिरित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई विकिरण ना हो पाता, तब आकाश काला में प्रतीत होता। क्या होता? काला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर विकिरण सुस्पष्ट नहीं देखने को मिलता है। और आप देखते हैं कि या आप जो कुछ ऊंचाई पर रहते हैं लोग या जाते हैं यात्रा करते हैं हवाई जहाज, उन्हें काला ही आकाश दिखाई देता है, ठीक है, और हमें नीला। संभवतः आपने देखा कि खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम विकिरण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो आप देखते होंगे चौराहों पर लाल रंग की लाइट लगी रहती है या संकेत के सिग्नल लगे रहते हैं, ये लाल रंग में क्यों होते हैं? तो ये आपका उत्तर इसका भी हो गया। अब बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। क्या आपने सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय आकाश तथा सूर्य को देखा है? मुझे लगता है सबने देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताप क्यों प्रतीत होता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप प्रतीत होने को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 11.3। कोई अभिसारी लेंस L1 उत्तल लेंस लेकर इसके फोकस पर श्वेत प्रकाश का तीव्र स्रोत रखिए। लेंस प्रकाश का एक समानांतर किरण पुंज प्रदान करता है। प्रकाश के समांतर का समानांतर किरण पुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के ट्रैंक से गुजारिए। किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र सी से इस प्रकार किरण पुंज को गुजरने दीजिए कि चित्र 11.11 में दर्शाए अनुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस का प्रयोग करके वृत्ताकार छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनाइए। टैंक में लगभग 2 L स्वच्छ जल लेकर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हाइपो घोलिए। जल में लगभग 1 से 2 मिलीलीटर सांद सल्फेट अम्ल डालिए। अब आप क्या देखेंगे? कोलाइड विलयन में प्रकाश के विकिरण का प्रेक्षण करने का एक प्रबंध है। लगभग 2 से 3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को आओ छेपित होते देखेंगे। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं आप कांच के टैंक के 3 पार्श्व से नीला प्रकाश देख पाएंगे, और यह सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडी कणों द्वारा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के विघटन के कारण होता है, और कांच के टैंक के 4थे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र की ओर से पारगत प्रकाश के रंग का प्रेक्षण कीजिए। यह प्रेक्षण अति रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी लाल लाल और फिर चमकीला किरमिजी मिजी लाल रंग दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के विकिरण को निर्देशित करता है, जिससे हमारे हम आपको आकाश के नीले रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताप प्रतीत होने को समझने में सहायता भी करता है लाल रंग, ठीक है। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरता है। इस तरह से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप यानी कि लाल, क्षितिज के निकट सूर्य नीले प्रकाश के विकिरण होने से सूर्य का रक्ताप प्रतीत। सूर्य लगभग ऊर्ध्ववर्त नीले प्रकाश का कम विकिरण, तथापि जब सूर्य सिर से
ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाले क्रम विकास अपेक्षा के कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण की बहुत थोड़ा भाग ही विकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के विकास का अधिकांश भाग कणों द्वारा विकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला विकास अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है और इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी इस चैप्टर पढ़ते हैं उसके नीचे आपको एक निष्कर्ष भी दे दिया जाता है कि इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य था आपका, क्या क्या सीखा है आपने। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए ये आपको दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। दृष्टि के सामान्य अवर्तक दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है को उचित क्षमता की अवतल लेंस द्वारा संशोधित यानी कि सही किया जा सकता है। दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि की बात करें तो इसमें पास रखी वस्तु के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनते हैं, इसको भी आप लोग उत्तल लेंस की सहायता से सही कर सकते हैं। वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत आपको होता है। तो ये था आपका 11वां चैप्टर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। याद रखिए आपकी जो ये भी पीडीएफ जो भी जितनी भी पीडीएफ है आपकी टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो चलिए 12वें चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, विद्युत के बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है एक तरह से।